मेरा नाम है जी डॉक्टर बिलाल कुरैशी। आई एम अ प्रैक्टिसिंग डेंटल सर्जन। आई ग्रेजुएटेड इन ईयर 2000 एंड सिंस 2005 आई हैव दिस ओन प्राइवेट प्रैक्टिस इन। वी हैव अबाउट यू नो मोर देन 50 मेम्बर्स। लोगों का अमूमी तासर यह होता है कि यू नो दे स्पॉइल्ड ब्रैड्स, अमीरों के बच्चे हैं और माँ बाप पैसे दे देते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू जी। दिस इज़ यू नो हार्ड अर्न मनी जो कि सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, इसमें कोई भी बच्चा नहीं है। हमारी एक एज लिमिट सेट है, हम 30 ईयर्स से कम के कोई भी मेम्बर नहीं है। तो जो एवरेज एज है हमारे ग्रुप मेम्बर्स की वो तकरीबन 55 से 60, वेरी कहती है यू नो 55 to 60 ईयर्स। वी हैव मेम्बर्स ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज, 75 ईयर्स ऑफ एज। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 डॉक्टर्स हैं उसमें, फिर कुछ कंपनीज के CEO, CFOs और इस तरह के लोग हैं, बड़ी कंपनीज के ओनर्स हैं, बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मेरा नाम मुबशर रज़ा है और मेरा सारा करियर एक मल्टीनेशनल पाकिस्तान टबैको के साथ गुजरा। फाइनेंस मेरा बैकग्राउंड था। मोटरसाइकिल्स मैं ने शायद जब सीखी तो मेरा उस वक्त ज़मीन पे शायद पाँव भी नहीं लगते थे, तो शौक़ बचपन से था।
मोटरसाइकिल की जो सेफ्टी गियर है उसके ऊपर खर्च करते हैं। हेलमेट से सब फैमिलर है, तो हेलमेट एक बुनियादी चीज़ है, लेकिन हेलमेट सिर्फ कानून को पूरा करने के लिए नहीं, हेलमेट आपको अपनी ज़ाती सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है। हेलमेट आपको और अच्छा हेलमेट प्रोटेक्ट करता है, और उन हेलमेट्स को आपको चंद साल बाद आपको बदलना भी चाहिए क्योंकि उनकी भी लाइफ होती है। हेलमेट के अलावा आपको हेड टू टो सब सेफ्टी इक्विपमेंट है, आपको प्रॉपर जैकेट्स पहननी चाहिए जिनमें पीवीसी या हार्ड पैडिंग होती है जो आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, आपकी एल्बोज उनको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी नीज, आपकी हिप, वो आपके ट्राउजर्स में उसकी पैडिंग होती है, और आपके शूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिनमें टोज़ और एंकल जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। बाइकर्स जब भी राइड करते हैं सड़क पे, भी कभी आपने हार्ले डेविडसन को ग्रुप में जाते हुए देखा हो उनको, तो हमारी एक फॉर्मेशन होती है, स्टैगर्ड फॉर्मेशन। उसमें हमारे एक कैप्टन होता है जो सबसे आगे लीड कर रहा होता है, कैप्टन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। फिर हमारे मार्शल्स होते हैं दो, जो कि इन सबको लाइन में रखने की कोशिश करते हैं, और सबसे आखिर में एक बहुत सीनियर बाइकर जो है वो टेल पे होता है, जो कि सबको साथ लेके चलता है ताकि कोई पीछे ना रह जाए। तो ये सारी फॉर्मेशन जो है, एक लाइन में चलना और ज़िगज़ैग फॉर्मेशन, स्टैगर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, ये पूरी दुनिया में हार्ले डेविडसन का एक ख़ास वतीरा है जो कि हार्ले डेविडसन राइडर्स को बाकी जो बाइकर्स हैं उनसे अलग करती है। मेरा नाम तौकीर सुल्तान अवान है, नाउ आई एम टर्निंग 55। तकरीबन 16 साल की उम्र में मैं अमेरिका चला गया, तो मैंने अपनी जो फाइनल पढ़ाई है और जो मेरे कारोबार का आगाज़ है वो मैंने अमेरिका से किया। 87-88 में मैंने डिसाइड किया कि मेरी जो सेक्रीफाइस है अपने मुल्क के लिए वो ये है कि मैं अपने मुल्क वापस आऊँ, और जो मैंने इस इन्वायरमेंट को समझा है, सीखा है, जो मैंने वहाँ पर कारोबार किए, उनको पाकिस्तान में ला के जो नई लेटेस्ट इनोवेशन वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको पाकिस्तान में लाया जाए, तो आई मूव बैक टू पाकिस्तान। ये जो मोटरसाइकिलों और गाड़ियों का शौक़ है ये शायद इनहेरिट किया, लेकिन शौक़ को एक और लेवल या एक और एक्सट्रीम पे ले जाने में मेरा अपना ही कसूर है। पिछले आप समझ लें कि 32 साल से जब से मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ, ओवर द ईयर्स में एक एक करके पैसे जोड़ के जमा करके जिस तरह आप छोटी उम्र में करते हैं, उस तरह से मैंने गाड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया और उसी के साथ मोटरसाइकिल्स को भी इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ लोग हैं जिनको पर्टिकुलर एक मॉडल, जिस तरह किसी को हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स में पसंद है, किसी को कावासाकी या यामाहा पसंद है, और गाड़ियों का भी यही है, कुछ लोग जो है वो वोक्सवैगन्स, कुछ लोग जो है मर्सिडीज़ को। मेरे में शायद थोड़ी सी जो फ़र्क है वो ये है कि जो भी मोटरिंग से रिलेटेड चीज़ है और जिसमें भी कोई पुराना पन है तो वो उससे मैं अट्रैक्ट होता हूँ, और उस टाइम से भी गुजरा हूँ कि जब मैंने जो भी नई और लेटेस्ट गाड़ी होती थी वो मेरे पास होना लाजमी होता था, लेकिन जो जो मेरी उम्र बढ़ती गई उसी तरह जो मेरा शौक़ है वो नई से ज़्यादा पुरानी चीज़ों पर जाना शुरू हो गया। मैंने वहाँ अमेरिका में भी हार्ले डेविडसन रखा और पाकिस्तान भी यहाँ पे उसको लेके आया, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हार्ले डेविडसन अमेरिका का सबसे पहला मोटरसाइकिल नहीं, जो पहला मोटरसाइकिल है उसका नाम तो मैं चाहता हूँ कि चेंज हो, लेकिन ज़ाहिर है वो हमारा नाम नहीं है, तो उस मोटरसाइकिल का नाम है इंडियन, लेकिन वो अमेरिकन इंडियन से मंसूब है, जो अमेरिकन इंडियन रेड इंडियंस होते थे। तो अगर आप उसका जो मोनोग्राम है वो भी देखें तो उसके ऊपर एक जो इंडियन चीफ है, जो रेड इंडियन चीफ है, उसका जो फेस है उसका उन्होंने ये लोगो बनाया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ बाइक है। तो
हैवी बाइक्स का जो ट्रेंड है पाकिस्तान में, ये पिछले 6 से 7 साल में ज़्यादा आया है, और जो हैवी बाइक्स हैं उनको चलाना, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका सड़कों पे होना एक बड़ा एक नया डायनामिक्स है, जो शायद ज़ाहिर है कि ये बच्चे तो क्योंकि पढ़े लिखे हैं और उन्हें शौक़ से लिए तो उनको समझ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही कि ये बाइक्स फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितने मोटरसाइकिल हैं इनकी जो ही आप स्टार्ट करते हैं तो इनकी लाइट ऑन हो जाती है। अब उस लाइट ऑन होने की वजह है, वजह ये है कि ये छोटा एक CD70 का बाइक नहीं है, ये बहुत हैवी है, और ख़ुदा ना खासा अगर ये कहीं सड़क पे आता है तो अगर इसको प्रॉपरली चलाया ना जाए, जो बाकी गाड़ी चलाने वाले हजरात हैं, जो पेडेस्ट्रियन है, वो अगर उनको पता ना चले तो वो एक्सीडेंट भी उससे हो सकता है। तो ये लेकिन यहाँ पे हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं हमें वो जब रोकते हैं और वो कहते हैं कि हमने चलान कर रहे हैं क्योंकि आप दिन के टाइम पे लाइट आपने ऑन की है, तो उनको समझाना पड़ता है, तो कई दफ़ा उनको यूट्यूब पे दिखाना पड़ता है कि जी ये इसका बैकग्राउंड है। इसी तरह एक कंप्लेन आती है कि जी इनके जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ से ये मोटरसाइकिल बन के आए हैं वो उन मुल्कों में भी कायदा कानून है, तो अगर वहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो किसी वजह से किया है, और वो बेसिक वजह ये है कि अगर ये बाइक लाउड ना हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये एक बड़ा हैवी बाइक आ रहा है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये पुलिस है, उनको बहुत समझने की ज़रूरत है। उनके वो जिस तरीके से उनको एक प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसका सलूशन ये है कि ये बंद कर दो, ये सलूशन नहीं है। जितना प्रॉब्लम आपको बसों में या वैगनों के एक्सीडेंट्स में या कभी गैस का सिलेंडर फट गया या कभी खाई में गिर गई या वो चीज़ें रोज़ सुनते हैं, उनको आप बंद नहीं करते, उनको आप रेगुलेट कर। आप एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक ये स्पोर्ट है, दुनिया में बेहतरीन मोटरसाइकिल बन रहे हैं, सेफ्टी से इक्विप्ड मोटरसाइकिल बन रहे हैं, इन मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल्स हैं, ABS है, इनके टायर स्पेशल हैं, इनकी इंजन्स बहुत स्पेशल हैं, तो इतना अच्छा जो इक्विपमेंट बन रहा है और पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, तो हमारे यहाँ ये एक रिवाज है कि वो कहते हैं कि जी हम इसको बंद कर दें, बस ना होगी ना प्रॉब्लम होगा। रिसेंटली हम ये मोटरवे पे इजाज़त थी चलाने की मोटरसाइकिल, और वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने बंद कर दी, तो हमने काफ़ी इंगेज किया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में केस किया, मैं पिटिशनर हूँ उसमें से, जो 6-7 हैं उनमें से। हाई कोर्ट लर्नड जस्टिस जो है दे अंडरस्टूड आवर व्यू पॉइंट, दे अप्रिशिएटेड के दिस इज़ अ लीगल एक्टिविटी, दिस इज़ अ गुड स्पोर्ट एंड इट शुड बी रेगुलेटेड बट इट शुड बी परमिटेड। तो हमने वो केस जीता। इसके बावजूद हमें उन्होंने मोटरसाइकिल्स को अलाउ नहीं किया अभी तक, जबकि कोर्ट की बड़ी क्लियर जजमेंट है इसके ऊपर। उसके बाद हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया और उस पर भी कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी कि इनको आप मत रोकें और हम वरना ये एक्शन लेंगे इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। लेकिन बात यही है कि हमारे पास तो सिर्फ मोटरसाइकिल और हेलमेट है और फोर्स जो है वो तो पुलिस के पास है। ये मशीनें सस्ती नहीं हैं, ठीक है। जब इसको इंपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर हम जो इसकी कीमत है मोटरसाइकिल की उससे डबल या उससे 2 गुना तकरीबन हम टैक्सेस दे रहे होते हैं हुकूमत को। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर हमें कहा जाए कि आपको इजाज़त नहीं है मोटरसाइकिल चलाने की, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अपने मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त नहीं देनी तो आप ऑल टुगेदर इसकी इंपोर्ट बंद कर दें। हम कोशिश करते हैं कि जो कम्युनिटी की तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बनती हैं उनको हम किसी तरह से अदा करने की कोशिश करें। हमारा एक बहुत गहरा ताल्लुक है ऑटिज़म से मुतल्लिक एक सोसाइटी है जिसको हम सपोर्ट करते हैं और उसमें उनके इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें हम जाते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि हर साल ट्री प्लांटेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करें।
फिर मेजर एक रोल हम अदा कर रहे हैं सोसाइटी में, वो ये है कि एक दस्तरखान है जो कि हम सब लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। पिम्स हमारा एक बड़ा इदारा है, उसमें बहुत सारे मरीज़ और उनके लवाइकीन के लिए हम एक ये दस्तरखान अरेंज करते हैं जो कि डेली बेसिस पे होता है। उसमें हम तकरीबन 300 से 400 या 500 लोगों को खाना, दिन का एक वक्त का खाना मुहैया करते हैं। ये दस्तरखान फिर रमज़ान में बहुत बढ़ जाता है, उसमें हम सहरी और इफ्तारी का बंदोबस्त होता है, तकरीबन 500 लोगों की सहरी और इफ्तारी का। उसमें फिर ये हमारे जो बाइकर दोस्त हैं ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं या के वॉलंटियर करते हैं, खाना खुद पेश करते हैं, खाना सर्व करते हैं लोगों को। तो इस तरह की चीज़ें हैं जी जो हमें तो जब भी मौका मिलता है कोशिश करते हैं कि जाके कम्यूनिटी सर्विसेज जो हैं वो की जाएँ। ये जो डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन राइड है जो प्रोस्टेट कैंसर की अवेयरनेस के लिए पूरी दुनिया में होती है, उसमें हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, डोनेशन भी देते हैं। उसके अलावा कोई भी जो अच्छा कॉज हो, मैंने या किसी और ने कभी अगर एक टेक्स्ट मैसेज भिजवाया है कि इस कॉज के लिए आप लोगों ने इकट्ठे होना है, तो यकीन जानिए कि मैं तो इन बच्चों से इतना प्राउड महसूस करता हूँ कि अगर किसी गरीब की को मदद करनी है, किसी का कोई हेल्थ का इशू है, जिसको आप कहें वो आज तक उन्होंने कभी ना नहीं की। DGR एक इवेंट होता है जो कि पूरी दुनिया में एक ही दिन मनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन राइड। उसमें वी राइड फॉर अ कॉज, एक ये तंजीम है जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए बहुत काम कर रही है, ये वो लोग अरेंज करते हैं इसको। उसमें हम तैयार होते हैं, सूट पहन लिया और नेक टाई लगा ली, और उससे पहले रजिस्ट्रेशन होती है उसकी। उसमें फिर वी ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल फॉर द गुड कॉज। और ये राइड है जो कि पूरी दुनिया से एक तरह की यूनिटी का इजहार है, पूरी दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर और मर्दों में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। अब तो 5-6 साल हो गए जिसमें इस्लामाबाद में हो रही है, तकरीबन 300 मोटरसाइकिल इस्लामाबाद में इस दफ़ा उन्होंने इस राइड में हिस्सा लिया, और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल ने इस राइड में हिस्सा लिया। इस दफ़ा जो इन्होंने तकरीबन $57 मिलियन इन्होंने इकट्ठे किए हैं पूरी दुनिया में DGR में प्रोस्टेट कैंसर के लिए। मोटरसाइकिल इज समथिंग विच गिव्स यू फ्रीडम, इट गिव्स यू विंग्स। सैयद मोहम्मद इलियास नाम है मेरा, बाय प्रोफेशन में फिज़िकल थेरेपिस्ट हूँ या फिजियोथेरेपिस्ट भी कहते हैं, और यहाँ इस इदारे का पैराप्लीजिक सेंटर का चीफ एग्जीक्यूटिव। पैराप्लीजिक सेंटर पेशावर एक बहुत ज़्यादा यूनिक इदारा है, और ये लेट 70s में जो यहाँ पे अफगान रशिया वार की वजह से पेशावर में बहुत सारी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मौजूद थी, उनका एक बहुत बड़ा अस्पताल था,
तो उनके पास जब पहले पहले अफ़गानिस्तान से वॉर इंजर्ड लोग आए और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ, उन्होंने उनकी इनिशियल ट्रीटमेंट की, तो बाद में उनको अंदाज़ा हुआ कि उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान भर में कराची टू चथराल कोई ऐसा इदारा और मौजूद नहीं है। उन्होंने वैसे तो इंडिया और पूरे साउथ एशिया को टटोला और पता चला कि पूरे साउथ एशिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव फिज़िकल रिहेबिलिटेशन का कोई इदारा मौजूद नहीं है, और यही वजह थी कि वो इस बात पे मजबूर थे कि वो पेशावर में जो कि यूँ समझे कि एक बेस था, कि वो यहाँ पर एक इस तरह का इदारा कायम करे जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से मुतासर लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव फिज़िकल रिहेबिलिटेशन हो और लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के होते हुए एक बाइज्जत और प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारे। तो 1984 में ये 100 बेड का इदारा बना और 80s ही में ये इदारा पूरे थर्ड वर्ल्ड के लिए एक मॉडल इदारा बना, और यही वजह है कि इंडिया, जॉर्जिया, सीरिया, फिलिपीन और इवन पाकिस्तान आर्मी ने इसको कॉपी किया, क्योंकि उस वक्त तक यहाँ पे इन सारे मुल्कों में भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव फिज़िकल रिहैबिलिटेशन का इदारा मौजूद नहीं था। पैराप्लीजिक्स हर उस शख्स को कहते हैं जो दर्द के नीचे से माजूर हो, लेकिन चूंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी गर्दन के लेवल पे भी होती है और गर्दन जिन लोगों की कटती है या टूटती है तो उसके नीचे से वो माजूर हो जाते हैं, इसका मतलब उनके हाथ भी शल हो जाते हैं। तो जिन लोगों के हाथ भी शल होते हैं उनको क्वाड्रीप्लीजिक कहते हैं, कि वो चारों शानों चित हो जाते हैं, ऐसे लोगों को क्वाड्रीप्लीजिक कहते हैं। तो पैराप्लीजिक सेंटर में हम सिर्फ पैराप्लीजिक्स नहीं बल्कि क्वाड्रीप्लीजिक्स को भी ट्रीट करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, और 25% हमारे जो मरीज़ होते हैं वो क्वाड्रीप्लीजिक होते हैं और जो 75% हमारे मरीज होते हैं वो पैराप्लीजिक्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है एक इंसान को तो उसी लम्हे, उसी सेकंड या स्प्लिट सेकंड में उनके चार मसाइल उनके उसी वक्त शुरू हो जाते हैं। एक ये है कि उस लेवल के नीचे वो कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाते हैं, कोई हरकत नहीं रहती उनकी बॉडी में। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है जिसके बाद में बड़े मसाइल पैदा होते हैं जिसकी वजह से, वो ये कि उनकी सेंसेशंस उस लेवल के नीचे ख़त्म हो जाती हैं, उनको पता नहीं चलता है, अपने उस लेवल के नीचे का जिस्म जो है वो सुन्न हो जाता है, उनको पता नहीं चलता। तीसरा काम ये कि वो डबल इनकॉन्टिनेंट हो जाते हैं, यानी कि बाउल और ब्लेडर या पेशाब और पखाने पर उनका कंट्रोल नहीं रहता है और वो जिनसी लिहाज से भी माजूर हो जाते हैं। ये काम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के होते ही हो जाते हैं। असल इम्तिहान आता है और वो ये है कि लोग आमतौर से अस्पतालों में चले जाते हैं, एक्यूट केयर उनकी हो जाती है, स्पाइन स्टेबलाइजेशन हो जाती है, सर्जरी हो जाती है, स्पाइन स्टेबल हो जाती है और मरीज़ स्टेबल होता है। उसके बाद मरीज़ खाना खा सकता है, बातें कर सकता है, अदरवाइज़ नॉर्मल इंसान लग रहा होता है, लेकिन उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा होता है। ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो चुका होता है और उसके नतीजे में उनको अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो वो आम तौर से जब उनकी रिहैबिलिटेशन नहीं होती है तो वो बेड बाउंड हो जाते हैं, और जब बेड बाउंड हो जाते हैं तो विद इन डेज़ उनको प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे अस्पतालों में नर्सों की और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं होती है, ये मेहनत उनके साथ नहीं की जाती है कि उनके ये समझाया जाए कि वो हर 2 घंटे बाद करवट ले और अगर वो बैठे हुए हैं तो हर 10 मिनट बाद वो अपना प्रेशर को रिलीव करे। ये 2-3 बातें अगर उनको इब्तदाई तौर पर समझा दी जाएँ और उनको सही मानों में ट्रेनिंग दे दी जाए तो ज़िंदगी भर उनको फिर प्रेशर सोर नहीं बनेंगे और वो हजीमत उनको नहीं उठानी पड़ेगी, वो तकलीफ़ और वो करबनाक ज़िंदगी, उसकी वजह से न सिर्फ मरीज़ की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है बल्कि उनके ख़ानदान की भी ज़िंदगी। कितना भी कोई किसी को प्यारा है, जब
सेंटर बोवा इदारा है जहाँ पर क्लब फुट होम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस हमने बनाया है। हमारे पास न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि पंजाब और दूर दराज इलाकों से भी दूसरे सूबों के बच्चे भी आते हैं। क्लब फुट या वो बच्चे जो टेढ़े पाँव के साथ पैदा होते हैं तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टीलीप्स इक्वाइन वायरस भी कहते हैं। ये एक ऐसी एबनॉर्मलिटी है जो कि कंजिनेटल या पैदाइशी तौर पर होती है। पूरी दुनिया में बच्चे क्लब फुट के साथ पैदा होते हैं जो कि 1 per 1000 है। रीसेंट जो फिगर आई है ग्लोबल क्लब फुट इनिशिएटिव की तरफ से कि पूरी दुनिया में 175,000 बच्चे हर साल क्लब फुट के साथ पैदा होते हैं और उसमें जो है 157,000 डेवलपिंग एंड लो इनकम कंट्रीज़ में पैदा होते हैं। जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में बच्चों की अनफॉर्चुनेटली एक्सेस नहीं होती है किसी डेडिकेटेड सर्विस की तरफ, पाकिस्तान में खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह पैराप्लेजिक सेंटर में ये फैसिलिटी मौजूद है जिसमें सारी सर्विसेज 100% फ्री है। क्लब फुट का तरीका इलाज क्या है, बहुत आसान है। पूरी दुनिया में एक मेथड है और वो रिसर्च बेस्ड है जिसको पॉन्सिटी मेथड कहते हैं। उसमें इनिशियली 4 से 6 कास्ट होती है बच्चे की, जब उसकी पाँव सीधा हो जाते हैं उसके बाद उसकी छोटी सी सर्जरी होती है जिसको टिनाटमी कहते हैं। उसके बाद उसको एक ख़ास किस्म की शूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको डेनस ब्राउन शूज़ कहते हैं। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स कंटिन्यूसली जो है बच्चा उसको 24 आवर पहनता है तो उसके साथ बच्चा ठीक हो जाता है और वो ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि बच्चे के पाँव कभी टेढ़े थे या उसको कोई डिसेबिलिटी थी। मेरा नाम फजल करीम है और मैं मरदान का रहने वाले हूँ। इस बच्चे का नाम भी रुमैसा है और ये इसका पाँव शुरू से टेढ़े थे, पैदाइश से दोनों पाँव टेढ़े थे तो मैं इलाज के लिए वहाँ पे घूमा फिरा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। यहाँ पे यूँ सोशल मीडिया पे मुझे पता चला, मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है और इसके पहले जो प्लास्टर लगा रहे थे उसके बाद थोड़ा सा इसका सर्जरी हुआ यानी कि ऑपरेशन और उसके बाद ये शूज़ मिले हैं। इसके पाँव भी बिल्कुल सीधे हैं। मैं इससे बहुत खुश हूँ। आने जाने का किराया भी देते हैं और खाने का।